अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जे एस के डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर खान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में जे एस के डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। सो आज की क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे। सबसे पहले हम टाइटल टाइप कर लेते हैं, टाइप टूल लेंगे हम यहाँ से, और यहाँ हम टेक्स्ट टाइप कर लेंगे, हाउ टू स्प्लिट, और ब्रैकेट में लिख देते हैं कट। कुछ लोग स्प्लिट कहते हैं, कुछ लोग कट कहते हैं, कट स्प्लिट या कट लेटर इन हाफ, ठीक है। और इसे सेंटर अलाइन कर देंगे, यहाँ से अलाइनमेंट भी इसी सेंटर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें स्प्लिट और कट दो वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, मतलब दोनों का सेम है। कुछ लोग इसे कहते हैं स्प्लिट करना, डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल कोई लेटर होता है हमारे पास, कोई कंप्लीट एक वर्ड होता है, उसे हम अगर दो में तकसीम करते हैं तो उसे स्प्लिट कहते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग चाहें तो वो यूं भी कह सकते हैं कि हमें कोई भी वर्ड्स को बीच में कट करना है, ठीक है। सो हम दोनों वर्ड्स इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू स्प्लिट या हाउ टू कट लेटर्स इन हाफ। सो हम यहाँ टाइप टूल लेंगे अगेन और कुछ वर्ड्स यहाँ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि मैं स्प्लिट ही टाइप कर देता हूँ, स्प्लिट लेटर, ठीक है। स्प्लिट लेटर टाइप करने के बाद इसको हम करेक्टर में से भी, मतलब इसका जो टेक्स्ट है उसे भी सेंटर अलाइन करेंगे, और इसकी जो अलाइनमेंट है उसे भी हम सेंटर अलाइन करेंगे, ठीक है। इसका साइज हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा करने के बाद इसको सेंटर अलाइन कर देंगे, हम पहले भी कर चुके थे लेकिन दोबारा कन्फर्मेशन के लिए आप दोबारा भी इसे अलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जब भी टेक्स्ट होगा हमें उसे स्प्लिट, उसे हाफ में डिवाइड करना हो या स्प्लिट करना हो, उसके लिए हमें टेक्स्ट को कन्वर्ट टू आउटलाइंस करना होगा, ठीक है। आउटलाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से है क्रिएट आउटलाइंस, ठीक है। इसमें हम क्रिएट आउटलाइंस जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद जो हमारे टेक्स्ट हैं, ठीक है, ये अब एडिटेबल नहीं है, हम इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। सो हमेशा पहले अपना जो भी आपका स्क्रिप्ट हो, जो भी, या जो भी आपका टेक्स्ट हो, वो सब टाइप कीजिएगा, या हेडिंग जो भी होती है उसे पहले टाइप कीजिएगा, उसके बाद उसे क्रिएट आउटलाइन कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप समटाइम ऐसा करते हैं, डेमो पहले टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, उसे स्प्लिट करने के लिए आप कन्वर्ट आउटलाइंस कर लेते हैं, सो बाद में वो फिर उसमें टेक्स्ट एडिट नहीं होगा। सो हमने इसको क्रिएट आउटलाइंस कर दिया, ठीक है। क्रिएट आउटलाइंस करने के बाद ये ग्रुप है, हमें इसे राइट क्लिक करना है और इसे अनग्रुप करना है, ठीक है। अनग्रुप करेंगे सो अब ये देखिए सारे अल्फ़ाबेट्स सेपरेट हो गए, ठीक है, सब के सब सेपरेट हो गए। मैंने इसलिए सबको एक एक करके आपको दिखाया है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एस है, इसे हमें स्प्लिट करना है, मतलब तकसीम करना है दो पोर्शंस में, ठीक है, या दो पोर्शंस में इसे हमें काटना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पेन टूल लेंगे, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिस एरिया में हमें इसे काटना होगा, जिस शेप में हमें इसे काटना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, हम यहाँ से एक शेप लेते हैं और यहाँ तक मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। हम यहाँ इस कॉर्नर से शेप लेते हैं और इस कॉर्नर तक ले लेते हैं, ठीक है। लेने के बाद इसकी सिलेक्शन टूल लेंगे, इसकी अगर आपको थोड़ी सी अलाइनमेंट करनी है जूम करके आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लीजिए और इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर दें, ठीक है, ताकि बिल्कुल मिडल में आ जाए। जितना पॉसिबल हो आप कर लीजिएगा, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास ये जो लाइन है और ये जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है, इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट का बटन प्रेस करके, ठीक है। आप चाहें तो ड्रैग करके भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ताकि हेडिंग भी आपको नज़र आए, ठीक है। अच्छा, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे पाथ फाइंडर, ठीक है। पाथ फाइंडर का टैब यहाँ से ओपन करेंगे। अगर आपके पास पाथ फाइंडर यहाँ शो नहीं हो रहा सो आप विंडोज़ में आइए, और विंडोज़ में आपके पास यहाँ शो हो रहा होगा पाथ फाइंडर, ठीक है। आप पाथ फाइंडर यहाँ से क्लिक कीजिए, आपके पास टैब खुल जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ टूल बार को मैंने सेट किया हुआ है, सो इस वजह से मेरे पास यहीं पर बार बार ओपन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ हैं शेप मोड्स, ठीक है, कुछ यहाँ पे है यूनाइट वगैरह है, माइनस है, इंटर, तो ये ऑप्शंस यहाँ हैं। उसके बाद है पाथ फाइंडर में हमारे पास डिवाइड, मर्ज वगैरह, वो सब यहाँ हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है डिवाइड, इस पर हमें जस्ट सेम वन टाइम क्लिक करना है, ठीक है। हमने इसे क्लिक कर लिया, अब ये देखिएगा इसमें जो आउटलाइन थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है, और अब ये एक ग्रुप की शिकल में आपको शो हो रहा है, ठीक है। सो मैं अनडू कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके इसे हम अनग्रुप करेंगे। मैंने इसे अनग्रुप कर दिया, अब ये जो हमारी लाइन थी ये लाइन भी डिवाइड हो गई है, ठीक है। इसे जूम कर रहा हूँ,
इस लाइन को भी हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, और यहाँ भी एक लाइन शो हो रही है, इसे भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब ये एस हमारा दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, ठीक है, बल्कि तीन हिस्से हो गए। तीन हिस्से से हुए कि हमने यहाँ भी एक सिलेक्शन ली, यहाँ से यहाँ तक ये एक पोर्शन सेपरेट हो गया और ये वाला पोर्शन पूरा सेपरेट हो गया। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई सिलेक्टेड कलर है, हम कलर के एक दो बॉक्सेस यहाँ सेट कर लेते हैं, हमें कोई सिलेक्टेड कलर करना हो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कोई भी कलर हो आप जो चाहे कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा ब्राउन ले लेते हैं, इसमें थोड़ा पर्पल शेड ले लेते हैं, और इसमें थोड़ा गोल्डन टाइप शेड ले लेते हैं। ठीक है, हमने तीन शेड्स ले लिए। अब हम इसे सेलेक्ट कर देंगे इस एक पार्ट को। ठीक है, आप चाहें तो नॉर्मल सेलेक्शन से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट सेलेक्शन टूल से भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आप चाहें वो कर सकते हैं। सो हम नॉर्मल सेलेक्शन से इसे सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से आई ड्रॉपर टूल है हमारे पास, हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल, और सिंपल ई जो हमारे पास बॉक्स है, हम इस पर वन टाइम क्लिक करेंगे, ये कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाह रहे तो सिंपली आप यूँ भी कर सकते हैं, इस कलर को सेलेक्ट कीजिए, मतलब इस शेप को सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ से स्वेचिस जो है हमारे पास, मतलब फिल जो है, या हमारे पास कलर है पूरा, हम यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। ठीक है, वो भी अप्लाई हो जाएगा, मगर मैं आई ड्रॉपर टूल से करना चाह रहा हूँ। सो आई प्रेस कीजिए और ये वाला कलर इस पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर इस तरीके से हम इस वाली शेप को सेलेक्ट करेंगे, और इसमें हम ये पर्पल वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ भी हमारे पास ये शेप थोड़ा सा एरिया शो हो रहा है, इस पर भी हम यही पर्पल वाला कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। ठीक है, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट को हमें क्रॉप करना है, सो हम इसे भी कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगेन हम पेन टूल लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक हम इसे भी डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी सेट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे ड्रैग करके। ठीक है, और पाथफाइंडर में आके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ड्रैग करने के बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे अनग्रुप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमारे पास ये लाइन शो हो रही है, तो क्योंकि ये दो में डिवाइड हो चुके हैं, सो अब हमारे पास ये दो पोर्शंस सेपरेट हो गए। ठीक है, तो मैं अंडू कर रहा हूँ, और इसे इसमें हम कोई कलर फिल कर लेते हैं आई ड्रॉपर टूल से, इसमें हम पर्पल कर लेते हैं, और इसमें हम यहाँ ये कलर यूज़ कर लेते हैं, या ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने दो कलर की थीम लेके चलना है तो आप इसमें दो कलर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एल है, सो एल को भी हमें ब्रेक करना होगा। पेन टूल लेते हैं, और इस एंकर पॉइंट से इस एंकर पॉइंट तक एक लाइन ले लेते हैं छोटी सी। ठीक है, ताकि ये दोनों आपस में जस्ट डिवाइड हो जाए, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिवाइड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर इसकी सिलेक्शन लेके राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारे पास एल है, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये, ठीक है, हम इसे फाइव स्टेप अप ले लेते हैं, फाइव स्टेप लेफ्ट ले लेते हैं। ठीक है, या लेफ्ट अगर नहीं लेते हैं, जस्ट फाइव स्टेप अप ले लेते हैं। ठीक है, इसकी एक अलग ही अट्रैक्शन होती है, आजकल काफ़ी लोग इस तरह के डिज़ाइन पे चल रहे हैं। सो हम इसे अब सेलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर टूल लेंगे, और इसमें हम ये कलर फिल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम आई ड्रॉपर से ये दूसरा कलर जो है ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आई है। ठीक है, अच्छा, अब हम कुछ इसमें डिफरेंट चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई में मैं कुछ डिफरेंट इस तरह चाहता हूँ कि मुझे इसके अंदर एक और बॉक्स बनाना है। ठीक है, सो हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेंगे और इसके बीच में एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, एक बॉक्स बनाने के बाद हम इन दोनों को सेलेक्ट करके इसे भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मैंने जैसे ही डिवाइड किया, फिर इसके बाद सिलेक्शन लेके इसको अनग्रुप करेंगे। अब ये जो अंदर वाला बॉक्स है, इसे हम चाहें तो डिलीट कर देंगे। ठीक है, हम इसे डिलीट कर देते हैं, और अब हमारे पास ये आई इस तरीके से शो हो रहा है। और ये हम इसमें एक और काम कर सकते हैं, हमारे पास जो अंडर वाला बॉक्स है, इसे हम डिलीट नहीं करते हैं, इसे हम जस्ट ड्रैग कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है,
ये हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम सेलेक्ट करके इस पर हम पर्पल कलर अप्लाई कर देंगे, और आउटर साइड जो है उस पर हम अपना गोल्डन कलर, गोल्डन येलो जो है वो अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से भी हम इसमें ऐसा कर सकते हैं। फिर है हमारे पास ट्री, ट्री को अगर आप चाहें हाफ में ब्रेक करें, ये जैसे आप चाहें वैसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ से एक सिलेक्शन लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, और इन दोनों को सेलेक्ट किया और डिवाइड, डिवाइड करने के बाद अनग्रुप, टॉप वाला पोर्शन सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा ये भी एक पोर्शन है और ये भी एक पोर्शन है। ठीक है, सो हम दोनों में वही प्रोसीजर करेंगे कि यहाँ हम येलो यूज़ कर लेते हैं और नीचे वाले पोर्शन पे हम पर्पल कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम थोड़ा सा सेलेक्ट करके नीचे ड्रॉप डाउन कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पी को भी कर सकते हैं, पी को सेलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसे भी कर लेते हैं और इसे भी कर लेते हैं। मैंने सब जगह 5 स्टेप डाउन किए। ठीक है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आई है, आई में एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है, अगर हम चाहें तो हम रेक्टेंगल टूल में आएंगे, यहाँ से एलिप्स टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ एक सर्कल बना लेते हैं इसके सेंटर से। ठीक है, एक सर्कल बना लिया हमने, इसमें भी अब हमारे ये कलर शो हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें हम कुछ वाइट कलर कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से शो होगा हमारा, ये हमारा स्प्लिट आ गया। और इसी तरीके से हम लेटर्स को भी कर लेते हैं। यहाँ पे एल को हमने बीच में से डिवाइड किया था, सो यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये हम बीच में से डिवाइड नहीं करते, हम यहाँ इसको टॉप से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे पाथ फाइंडर, डिवाइड, राइट क्लिक, अनग्रुप। ठीक है, इसमें हम पर्पल सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे वाली साइड पे हम येलो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ई शो हो रहा है। ई में हम क्या करेंगे, ई में हम पेन टूल लेते हैं और ई को यहाँ से जस्ट सिंपल यहाँ तक ब्रेक करते हैं। ठीक है, इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम इसे डिवाइड करेंगे, अनग्रुप, और इस पोर्शन को सेलेक्ट करके इसमें हम येलो कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास ये जो पोर्शन है ये एक अलग है। ठीक है, सो हम इसको भी डिवाइड करेंगे, वो किस तरीके से, वो ऐसे ही पेन टूल लेंगे और इन पोर्शंस को भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, अनग्रुप, और यहाँ भी हम येलो कलर अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये पोर्शन शो हो रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, ये हम थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। इसमें हम यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम नीचे वाला पोर्शन सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड, अनग्रुप, और अब हम इसे पर्पल येलो फिल कर देते हैं इसमें। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास ब्लैक आ रहा है, ब्लैक में हम अपना दूसरा कलर जो है पर्पल है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इनको अब हम तीनों को सेलेक्ट करेंगे, बल्कि दो को सेलेक्ट करेंगे, दो को हमने यूँ कर दिया। ठीक है, आप इसको चाहें तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, लेकिन इसको अपनी जगह ही रहने दीजिएगा, ये इस तरीके से बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो अब हम टी पर आएंगे, टी को हमें सेंटर से पोर्शन करना है, सो हम टी के सेंटर में आएंगे और सेंटर में शिफ्ट प्रेस करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड, अनग्रुप, सो अब हमारे पास टी भी सेपरेट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें भी दो कलर्स सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास अब दूसरा टी है, इस टी में हम थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, इसमें हम यहाँ से यहाँ तक की सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कीजिए और इसको थोड़ा सा जूम करके इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसे अब सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड, अनग्रुप। ठीक है,
यहाँ हम येलो कलर कर लेते हैं। अच्छा, पूरे जितने भी लेटर्स हैं हमारे उसमें मैंने जस्ट दो कलर्स को ही फॉलो किए, ठीक है, पर्पल को और गोल्डन येलो को, ठीक है। अब ये जो ई है, इसी ई को हम थोड़ा डिफरेंट काट लेते हैं, ठीक है। इसकी सिलेक्शन हम यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसको कर लेते हैं, ठीक है। आप जिस हिसाब से चाहें आप इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबको एक ही जैसा रखना है, ठीक है। मैंने ये लेफ्ट वाला राइट वाला जो पार्ट है, इन तीनों को इस वक्त सेलेक्ट किया है, ठीक है। इन तीनों को सेलेक्ट करने के बाद इसमें मैंने पर्पल कर दिया है, ठीक है, और यहाँ हम येलो कलर कर लेते हैं, ठीक है। ई को अगेन हम इन तीनों पार्ट को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ड्रॉप डाउन कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आर है। आर को आप किस तरह डिवाइड करना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। हम आर को नॉर्मली स्ट्रेट ही कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड, राइट क्लिक, अनग्रुप, ठीक है। और आर के इस पोर्शन पे हम येलो कर देंगे और जो राइट पार्ट है इसमें हम पर्पल कलर कर देंगे, ठीक है। सो अब हम इसे थोड़ा सा लेफ्ट पे मूव कर लेते हैं। सो ये हमारे स्प्लिट लेटर्स हैं, ठीक है। इसे सेलेक्ट करके ग्रुप बना लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर मूव कर देते हैं और इसे भी सिलेक्शन लेके ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। सो हमारे स्प्लिट लेटर्स रेडी हैं। सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।